अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोग दोबारा से एक टूर पे जा रहे हैं, आप लोगों ने पहला टूर तो हमारा सवाद वाला देखा ही होगा, और अब हम लोग दोबारा जा रहे हैं और हम जा रहे हैं पेरिस। पेरिस कौन जाता है? पेरिस हमारे लिए वो पेरिस है क्योंकि वहाँ पे मैं भी पैदा हुई हूँ, लेकिन ये फातिमा यहाँ पे कराची में पैदा हुई है। बर्थ सिटी है हमारा और बर्थ सिटी और अब हम लोग एज यूजुअल उसी फैमिली को लेने जा रहे हैं। हम दूसरी फैमिली को लेने आए हैं। चलो चलो रुके हैं सुपर मदीना रेस्टोरेंट में। यहाँ की चाय जो है बहुत ही मज़े की होती है और बच्चे चले गए हैं झूले झूलने, और ये बच्चे झूल रहे हैं झूले। हाय, और सब आ रहे हैं। अभी हम लोग रुके हैं झूले झूलने, जब तक हमारी चाय नहीं आती जब तक हम झूल रहे हैं झूले। और हमारी आ गई है चाय। अब हम दोबारा बैठ रहे हैं और रात हो चुकी है। जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं और ये मम्मा निकाल रही हैं कोरमा। कोरमा बना है और कोरमा देख के बहुत ज़बरदस्त भूख भी लग रही है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये खाना अब हम खाएंगे। अब हम निकल पड़े हैं खाना वगैरह चाय वगैरह पी के। थोड़ा सा टाइम हो रहा है, मेरे ख़्याल से 1:30-2 बज रहे हैं। यहाँ की बहुत ही मशहूर है मटका कुल्फ़ा, जो कि मटका आइसक्रीम के नाम से मशहूर है। ये देखें इस तरह से ये होता है एक मटके में, जिसमें बर्फ़ वगैरह डाल के कुल्फ़े को जमा दिया जाता है और बहुत ज़बरदस्त मतलब इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है ये खोया, और प्योर यानी इंग्रेडिएंट से दूध और मतलब बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स अच्छे वाले होते हैं। मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन खोया और बादाम पिस्ते वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं, तो ये सेफ़ भी होता है खाना, क्योंकि आम आइसक्रीम जो खाते हैं हम लोग वो तो उसमें गले वगैरह आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल सेफ़ होता है और बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। ये देख रहे होंगे आप क्लास में इस तरह से हम बनवा रहे हैं, और ये आइसक्रीम है हमारी दो, क्योंकि एक कुल्फ़ा बहुत बड़ा होता है। तो अब ये भाई साहब हमारी बना रहे हैं, इसमें सवैयाँ भी ऐड कर सकते हैं आप, रूह अफ़ज़ा भी, तो ये कुल्फ़ा फालूदा टाइप हो जाता है। आइसक्रीम खाने के बाद यहाँ शुरू हो चुका है क्रिकेट। तुम लोगों को ही खिला रहा है, तुम दोनों को ही खिला रहा है। नहीं ना, हम हार चुके हैं। चलो भाई, लगी तो नहीं दो जाएगी ये। और ये छोटा बच्चा शाहीन आफरीदी है, बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करवा रहा है ये। ये है मीरपुर खास का एक अकलौता बाजार, और हम लोग आए हैं कुछ लेने, और मैंने ली है यहाँ पे चप्पल, और अब हम देख रहे हैं फातिमा की चप्पल। मेरी चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं हम लोग यहाँ पर आए हैं चप्पल लेने। बहुत ही छोटा सा बाज़ार है ये, और बहुत मतलब एक ही बाज़ार है पूरे मीरपुर खास में, जिसको भी शॉपिंग करने आना होगा वो यहीं पर ही आएगा।
बेदरिया की पुलाव, और जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस पुलाव है। अब यहाँ पर मामू दोबारा से बेदरी की पुलाव लेकर आ गए हैं, और इस तरह से सबको अपने अपने पार्सल मिल रहे हैं। अब बोले क्या ना बोले, ये क्या कैमरा फेस नहीं करना आ रहा। ओके चले जी, अब हम लोग जा रहे हैं, और अब हम लोगों ने एक दिन स्टे किया है मीरपुर खास में, और अब हम जा रहे हैं अपने बैक टू होम, और बीच में डिनर करेंगे, जो कि कहाँ करेंगे वो भी अब आपको बताएंगे। हम पीने आए हैं चाय। और ये सामने एक रेस्टोरेंट है जो के बोट वाला रेस्टोरेंट है, आई थिंक ये अभी क्लोज है। अब हम लोग दोबारा से रुक गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। हाला नाका के नाम से बहुत ही मशहूर कढ़ाई है यहाँ पर। ऊपर एरिया है फैमिली का, और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पे आप लोग कढ़ाइयाँ बिल्कुल, बैठे हुए हैं हाला नाका, जो कि हैदराबाद का बहुत ही मशहूर यहाँ की कढ़ाई है, और अब हम कर रहे हैं अपने खाने का वेट। दाना तवीत और अब हम दोबारा आ गए हैं सुपर मदीना हैदराबाद में, और यहाँ की हम पी रहे हैं चाय, और ये इसके साथ है केक। कैसा लगा टूर? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी जीत पे हमने बोले थे दूरे दुराओ, और हमने बहुत लगा। तो बेटा झूले तो आते हुए थे ना, जाते हुए नहीं थे ना, तो अब सुपर मदीना जाते हुए में वो नहीं है झूले, आते हुए झूले। बाय कर दिया, अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ। इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब मी, और आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि हर आता हुआ न्यू व्लॉग आप लोगों को ज़रूर मिले, और लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।